आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज, मैं हूं चमकलाल सिंह। गुटखा पर प्रतिबंध लगने के बाद झारखंड में बेरोक टोक के गुटखा की बिक्री हो रही है। वहीं गुटखा पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश देने के बाद जिला प्रशासन अवरेश हो गई है। क्या असर पड़ रहा है उनसे एक दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका असर पड़ रहा है। सब यही बताइए, गुटखा झारखंड में जो बंद हो गया है तो क्या मतलब इसके पर क्या प्रभाव पड़ा आपको? दुकानदारी पे अच्छा खासा असर पड़ा। क्या असर पड़ा? मैंने ग्राहक लोग ग्राहक कम आते थे, ग्राहक कम आ रहे हैं, मतलब दुकानदारी का सेल कम हो गया है। ग्राहक आते हैं तो मतलब चाय पीने का जिसका मन होता वो भी चाय नहीं पीता, गुटखा की वजह से बोलता पहले पूछता गुटखा है तो उसके वजह से मतलब अब यहाँ पे चाय पिएगा गुटखा लेने के लिए, दूसरा जगह तो जाएगा नहीं, तो इसी वजह से गुटखा लेने के लिए सिगरेट लेने के लिए मतलब ग्राहक स्पेशली चाय पीने के लिए नहीं आते। अच्छा ये बताइए कि मैं नहीं आता है तो क्या आपके मैंने क्या मैंने ये गुटखा बंद होना चाहिए, चलना चाहिए, क्या होना चाहिए? सरकार का जो निर्देश होगा वही होना चाहिए। बंद करवाना है तो दारू बंद करवा। अच्छा दारू भी तो दारू बंद करवा। हाँ दारू जब गुटखा सिगरेट बंद होगा तो क्यों नहीं, दारू क्यों नहीं बंद होगा। अच्छा अच्छा क्या फर्क पड़ा है आपको? क्या फर्क पड़ा है? दुकानदारी पे फर्क पड़ा, पूरा पड़ा है। अच्छा खासा क्या कहते हैं ग्राहक लोग आते हैं तो क्या कहते हैं? डिमांड करते जो गुटखा का मेरा गुटखा है सिगरेट है चाय पीने के लिए, अभी का मतलब जो दौड़ चल रहा है गुटखा पिए मतलब चाहे चाय पिएंगे तो सिगरेट पीते हैं, किसी को चाय पीने के बाद में गुटखा खाने का आदत हो तो इस तरीके से मतलब दुकानदारी पर उससे आधा भी सेल पर फर्क पड़ा है। क्या नाम हो गया आपका? नीरज गुप्ता। और यहाँ कुछ देखिए छोटा सा दुकान है तो मैंने गुटखा बंद होने से यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा है इनसे जानते हैं। ये बताइए गुटखा बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा आपके मतलब व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? हम लोग का ही प्रभाव पड़ा सर, हम लोग का भुखमरिया आ गया तो अच्छा रोजी रोटी पर आफत हो गया, उसी में हम लोग खाते जीते। अच्छा अच्छा जीते हैं उसी में ही। आपके पास लोग आते हैं मतलब गुटखा लेने? हाँ गुटखा लेने के लिए आता है, गुटखा सिगरेट इसी में तो मेरा दुकान चलता है। हाँ अभी वाला बंद हो गया तो कहाँ से चलेगा। आइए हमारे साथ कुछ मतलब दुकानदार मौजूद है तो ये गुटखा झारखंड सरकार जो मैंने ये गुटखा जो बंद हुआ है उनके बारे में जानेंगे। सर ये बताइए गुटखा जो बंद हुआ है झारखंड में बंद हुआ है इसके बारे में क्या आपके दुकानदारी पर कितना फर्क पड़ा है? पूरा फर्क पड़ा है, भुखमरी का नौबत आ गया है, क्या करें, रोजगार का समस्या हो गया है, खाने पीने का दिक्कत हो गया है, दुकानदारी चौपट हो गया। घुमटी में तो यही गुटखा पान पर ही दुकान चल रहा है। क्या सरकार को क्या मैंने संदेश देना चाहिए? सरकार को यही संदेश देना चाहिए कि अगर इसको बंद किया जा रहा है तो इसका दूसरा को रोजगार मुहैया कराइए, उसको पटरी बनाना चाहिए और सब बगल पड़ोसी जो राज्य है उसमें चालू है तो यहाँ क्यों बंद किया जाता है ये दुकानदार को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बंद? पड़ोसी राज सर कौन सा राज्य? बंगाल में तो आपका ओपन बिक रहा है, यहाँ क्यों नहीं बिक रहा है ये हम लोग समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या ये है कि कोरोना मैंने कि पुड़िया खाने से फैल जाएगा और दारू से फैल नहीं रहा कोरोना और पुड़िया गुटखा से फैल रहा है। आपके सर व्यवसाय पर क्या फर्क पड़ा? व्यवसाय पर तो फर्क वही तो बता ही दिए, पूरा फर्क पड़ गया है, भुखमरी का नौबत आ गया है। इनके व्यवसाय और व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है? सर ये बताइए कि आपके आपके जो गुटखा जो बेचते थे क्या असर पड़ा है? नहीं गुटखा तो मान लिए बिकता था ठीक है, मगर न्यायालय द्वारा ये कदम उठाया गया बहुत सराहनीय चीज़ है और ये बंद होना चाहिए क्योंकि गुटखा जानलेवा चीज़ है और पूरे ये झारखंड ने पूरे भारतवर्ष में बंद होना चाहिए। और अब अभी हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं तो उनसे जानते हैं कि मैंने ये जो झारखंड सरकार जो गुटखा बंद किया है उसके बारे में जानते हैं कि इनका क्या मैंने ये। सर सबसे पहला बात कि ये गुटखा जो झारखंड सरकार बंद किया था इसके मामले में आप क्या कहेंगे? सर हमको तो नहीं लगता कि झारखंड सरकार बंद किया है, वो तो सिर्फ हमको लगता है कि पेपर पे ही वर्क कर रहा है कि बंद हो गया है, बाकी हर दुकान हर जगह बिक ही रहा है, आदमी एक रुपये का सामान दो रुपये में खरीद रहा है, आदमी के ऊपर फर्क पड़ रहा है, आदमी के जेब से ज़्यादा पैसा कट रहा है तो इससे सरकार को भी नुकसान है, आम पब्लिक को भी नुकसान है, दुकानदार को भी नुकसान है क्योंकि वो ज़्यादा पैसा में ला रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है तो इससे हमको नहीं लगता कि सरकार को कोई मतलब फ़ायदा होने वाला, इससे सरकार को भी नुकसान। आप मौजूद हैं भाजपा लोधना मंडल अध्यक्ष राजाराम पासवान जी, तो जो झारखंड सरकार है जो गुटखा बंद किया गया है सिगरेट बंद कर दिया गया है तो उनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है और सरकार को क्या मैंने संदेश देंगे, सरकार को क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले राजाराम जी आपका नेशन टीवी में स्वागत है
और ये बताइए कि मैंने जो झारखंड सरकार जो अभी गुटखा जो बंद हुआ है तो मैंने उसके प्रति आप क्या कहेंगे, मैंने कि लोग क्या संदेश देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि पहले भी गुटखा सीकर ये सब बंद हुआ था जी, लेकिन सरकार को बार बार मानसा होते कि बड़े बड़े दुकान में छापा मार के उनको पैसा को अमेटना जी। अरे जो पहले करना चाहिए कि जहाँ पर जो है हत्या खुलेआम गोली चलाया जा रहा है, खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है, आदमी चलने फिरने से डर पैदा हो रहा है, उसके लिए पहले प्रशासन को करना चाहिए कि एक तो गाड़ी में अलाउंस करना चाहिए कि गुटखा खैनी बीड़ी जो भी है उसको बंद किया जाए, और पेपर में निकाल देने से लोग कितना पढ़ता कितना नहीं भी पढ़ता है उससे जो है छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो उसको अपने स्तर से टारगेट बना के उसको यहाँ जाके छापा मार के अपना मोटा रकम ऐंठना चाहती है। अरे जो हत्या हो रही है उसको देखो, बलात्कार हो रही है उसको देखो, और ये गुटखा पहले भी बंद हुआ था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अगर प्रशासन चाहे सरकार चाहा तो गाड़ी से जो है अपना अलाउंस करा दे लाउड स्पीकर करके कि आप गुटखा को छोड़ दे, शिखर को छोड़ दे, च्यवनप्राश जो भी वगैरह है वो सब बेचना बंद कर दे। हमको नहीं लगता है कि ये सरकार आई है तो गुटखा उटका बंद होगा, हमको तो ऐसा लगता है उसको पैसा ऐंठने का एक जरिया है कि कैसे हमारे पास में माल आवे ताकि वो चैन का नींद सोए और पब्लिक यहाँ गोली खाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ हमारे गणमान्य व्यक्ति मने मौजूद हैं कि गुटखा जो झारखंड सरकार जो मने बंद किया है तो उसके मने प्रपस इनका क्या कहना है, ये सरकार को क्या संदेश देंगे, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहला बात कि गुटखा जो बंद हुआ है इसके पर मैं आप क्या कहेंगे? गुटखा जो अभी झारखंड सरकार के तरफ से जो कार्रवाई हो रहा है जी जी, जिसमें चीफ जस्टिस जो अभी संज्ञान लिए हैं जी जी, तो सरकार जो कार्रवाई कर रही है ये परस्पर ये सरकार इस चीज़ पे गुटखा पे कार्रवाई करे जी, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग स्टेटमेंट अभी दे रहे हैं कि जो हो रहा है सिर्फ पेन पेपर पे रह रहा है जी, और नीचे में आम आवाम को 5 रुपये का सामान 10 रुपये में मिल रहा है, उससे कालाबाजारी का मौका मिल जाता है। तो सरकार को बराबर स्वच्छ होकर काम करना चाहिए, इसमें छापेमारी करते रहना चाहिए। पूर्व में हम न्यूज़ में देखे भी थे कि झरिया में छापेमारी भी हुई, और गुटखा बंद होने से आम जनमानस में तो फ़ायदा है ही, इससे कैंसर है, ये है वो है, जो बीमारी जो इसे क्रिएट होता है गुटखा से, इसके लिए हाईकोर्ट माननीय न्यायालय पूछा भी है कि ये गुटखा से कितने लोग को क्या नुकसान होता है, इसका भी सरकार एफिडेविट दायर करें। तो सरकार तो जो है अपना काम कर रही है, लेकिन अगर इसमें कार्रवाई हो रही है तो इसमें स्वतंत्र होकर और स्वच्छ होकर कार्रवाई होते रहे।